स्पेशल ये वीडियो है, मीन्स दाढ़ी मूछ को आप काला कैसे कर सकते हैं उसके लिए ये वीडियो है। और इसमें मैंने ये प्रोडक्ट चूज किया है जो 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री है। इसका क्या इफेक्ट है, कैसे वर्क करता है, सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये दाढ़ी मूछ के लिए तो है ही, साथ ही साथ बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इरबैको बायो कलर नेचुरल हेयर कलर। दिस इज 100% नेचुरल हेयर कलर। दिस इज फॉर मेन एंड वुमेन, दोनों के लिए है ये। आप बियर्ड मुस्टाच पे यूज कर सकते हैं, बालों में यूज कर सकते हैं। 100% नेचुरल है। इसका रिव्यू हम करेंगे, इसके एप्लीकेशन में दिखाऊंगी, इसका डेमो में दिखाऊंगी, बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स दिखाऊंगी, और ये कैसा है, क्या है, सब डिटेल आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस को आप मिस न कर पाएं। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आपको घंटी दिखेगी, उस घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये है इरबैको का बायो कलर, 100% नेचुरल हेयर कलर है। जिनको केमिकल डाई से एलर्जी रहती है वो इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बियर्ड और हेड पे हम लगा सकते हैं, मैन वुमेन दोनों लगा सकते हैं। और इसमें पीपीडी नहीं है, अमोनिया नहीं है, परोक्साइड नहीं है, मैन वुमेन दोनों के लिए है। हर्बल प्रिपरेशन से बनाया गया है ये, 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री है। नाउ फ्रेंड्स, ये जो पैक है ये हम ट्राई करेंगे, और ये 100% नेचुरल और इसमें सॉफ्ट ब्लैक कलर हमने चूज किया है। जैसा कि हर डाई में लिखा रहता है कि आपने सेंसिटिविटी टेस्ट करना है, तो वो सेंसिटिविटी टेस्ट आपने करना है। यूसेज इंस्ट्रक्शंस में ये है कि आपने इसका कंटेंट लेना है, उसको वार्म वाटर से बनाना है पेस्ट, और उसके बाद आपने उसको रूट से लेके टिप तक लगा लेना है, और एक घंटे के लिए इसको छोड़ना है, और उसके बाद आपने नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है, और आपने बच्चों से दूर रखना है। और ये पैक जो है, ये जो भी नेचुरल कलर है, ये आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है और आपके हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपके हेयर के लिए नरिशमेंट का काम करेगा, और ये आपके स्कैल्प में भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और जो ग्रे हेयर होते हैं या वाइट हेयर होते हैं वो आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम नेचुरल कलर लगा रहे हैं। लिखा है कि एक्चुअल कलर जो है वो 48 आवर्स के बाद ही आपको दिखेगा, और अगर आपके पास 25% ग्रे हेयर है, मीन्स आपके 25% ग्रे हेयर हैं या उससे ज़्यादा ग्रे हेयर हैं, तो एक्चुअल रिजल्ट जो है वो एक एप्लीकेशन में नहीं दिखेगा, आपको एक दो बार और लगाना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि आपका आपके बालों का एक्चुअल कलर क्या है, कि आपके बालों पे क्या कलर आएगा, क्योंकि हर किसी के बाल अलग होते हैं, कलर अलग होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है 664, और ये 2 साल के लिए वैलिड है। इसमें है बायो कलर 150 ग्राम्स, मीन्स 50 ग्राम्स के 3 पैकेट्स हैं। शावर कैप है, एप्लीकेशन ब्रश है, और ग्लव्स है। चलिए देखते हैं, इसमें है ये 3 पैकेट्स, एंड देन शावर कैप 3, एंड दिस वन इज ब्रश, और ये ग्लव्स। नाउ इसमें एक और चीज भी है, ये लीफलेट जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये हम हेयर पे तो लगा ही सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है कि मैन वुमेन दोनों के लिए है, और इसको हम बियर्ड पे भी लगा सकते हैं, मस्टैच पे भी लगा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा है कि किस तरह से लगाना है। हम इसको अभी बियर्ड पे ट्राई करेंगे, और इसको मैं फिर कभी बालों पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। नाउ इसमें जैसा कि लिखा है, अगर आपने बियर्ड के लिए यूज़ करना है इसको, तो आपने 25 ग्राम्स लेना है, मीन्स ये 50 ग्राम्स का पैकेट है, तो इसका हाफ पैकेट आपको इनफ है। अपनी दाढ़ी मूछ को आपने एक बार गीला कर लेना है, और उसको फिर पैड ड्राई कर लेना है टॉवल के साथ, और हमने पेस्ट बनाना है ल्यूकवॉर्म वाटर से। आपने ग्लव्स पहनने हैं, इसको अप्लाई करना है अपनी दाढ़ी मूछ पे अपने कंघी और ब्रश की मदद से, और उसके बाद उसको कवर कर देना है कॉटन क्लॉथ से, और 10 मिनट के बाद आपने हेयर ड्रायर यूज़ करना है 2 से 3 मिनट के लिए, और एवरी 15 मिनट्स में आपने ये हेयर ड्रायर यूज़ करना है 2 से 3 मिनट के लिए, और उसको फिर आपने 60 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, और फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। एक्चुअल कलर जो है वो आपका 2 एप्लीकेशंस के बाद आएगा। नाउ हम इसे ट्राई करके देखेंगे। बाकी ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसको भी एक बार मैं रीड कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं बालों पे नहीं लगा रही हूँ। नाउ नॉर्मल मैन हेयर जो होते हैं उसके लिए 1 पाउच इनफ है। शोल्डर लेंथ हेयर है गर्ल्स हैं 100 ग्राम्स, फुल लेंथ है तो 150 ग्राम्स, मीन्स तीनों पैकेट्स आपके लग जाएंगे।
और आपने शैम्पू करना है, शैम्पू के बाद पैड ड्राई करना है अपने बालों को, और उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। पैड ड्राई मीन्स आपने अपने बालों को ड्राई नहीं रखना है, आपके बाल बिल्कुल ड्राई नहीं होने चाहिए इसको लगाते टाइम, तो आपके जो बाल हैं हल्के गीले होने चाहिए। और इसका बनाने का प्रोसेस यही है कि आपने 150 ml पानी लेना है एक सैशे के लिए, मीन्स अगर 50 ग्राम का आप पाउडर ले रहे हो तो उसे तीन गुना आपने पानी यूज़ करना है, ल्यूकवॉर्म वाटर यूज़ करना है, और उसके बाद आपने उसका पेस्ट बनाना है जैसे हम मेहंदी का बनाते हैं, और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और 10 मिनट के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का प्रोसीजर वही है, आपने ग्लव्स पहनने हैं, ग्लव्स पहनने के बाद आपने इस पेस्ट को रूट से लेके टिप तक लगाना है और उसको पूरे बालों में लगा देना है और छोड़ देना है। फिर अपने बालों को शावर कैप से ज़रूर ढकना है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ। उसके बाद 60 मिनट के बाद आपने अपने बालों को ड्रायर करना है विद द कैप इज ऑन, मीन्स कैप आपके हेड पे है और आपने उसको ड्रायर करना है कुछ मिनट के लिए, और ताकि जो हीट हम उसको देंगे वो पेनिट्रेट होगी और आपका जो कलर है वो डीपर होगा, इसीलिए यहाँ पे ड्रायर यूज़ करने के लिए बोला गया है। जेंटल प्रेस करना है अपने हेयर को, उसके थोड़ी देर बाद आपने अपने बालों को रिंस कर देना है, मीन्स आपने एक घंटे के लिए रखना है और बीच बीच में आपने ड्रायर यूज़ करते रहना है, जैसा कि बियर्ड के लिए लिखा है ऐसे हेड पे भी हमने यूज़ करना है। आपने इसको पानी से धोना है, इसमें शैम्पू यूज़ नहीं करना है, आप चाहें तो कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ पानी से धोएंगे तो आपका जो कलर है वो अच्छा आएगा। एक्चुअल कलर विल अपीयर आफ्टर 24 to 48 आवर्स फॉर बेटर कलर, टेक अनदर एप्लीकेशन आफ्टर 24 to 48 आवर्स, मीन्स इसका एक्चुअल कलर आपको एक से दो एप्लीकेशन में ही मिलेगा, और फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद आपने अगर दूसरी एप्लीकेशन करनी है तो आपने एक से दो दिन का गैप देना है, और तभी आप दूसरी एप्लीकेशन कर पाएंगे, और जो दूसरी एप्लीकेशन है उसमें आपका जो कलर है वो और गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे इस कलर के लिए। इसमें आपके हेयर जो है वो टॉवल ड्राई होना चाहिए, वेट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल टॉवल ड्राई होने चाहिए सिर्फ, और आपने पेट्रोलियम जेली यूज़ करना है अपने फोरहेड लाइन पे, ताकि आपके स्किन पे कलर ना आ जाए, और आपने पेस्ट को एक ही बार में यूज़ कर लेना है, मीन्स पेस्ट बना के आप रखना नहीं है, अगर कुछ बच जाता पेस्ट बनाओ तो दैट वुड बी वेस्ट, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे बाद में, तो उतना ही पेस्ट बनाएं जितना आपको चाहिए। इसमें ये भी लिखा है कि अगर आप इसमें आधा पैकेट यूज़ कर रहे हैं, आधा बच गया है, तो वो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस हैं, इसलिए या तो आप उसको एयरटाइट कंटेनर में रखें या फिर उसको आप पूरा ही यूज़ कर लें। और अगर आप हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करना चाहते हैं एक घंटे के बाद, तो आपने 20 मिनट और इसको इंक्रीज़ कर देना है, तो एक घंटा है तो आप डेढ़ घंटा इसे रख सकते हैं। और अगर आपके 20% से ज़्यादा ग्रे हेयर हैं तो आपके कलर का जो एप्लीकेशन का जो तो आपका जो कलर है वो तीन एप्लीकेशंस के बाद ही आएगा, और हम इसको आफ्टर एवरी 2 डेज इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, मींस फर्स्ट एप्लीकेशन किया उसके 2 दिन के गैप में हम और एप्लीकेशंस कर सकते हैं। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई रहती है तो आप इसमें 2 चम्मच दही डाल सकते हैं। जब आपका डिज़ायर्ड कलर आ जाता है तो आप इसको 10 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं। शावर कैप से कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 1/2 पाउच। ट्वेंटी 5 ग्राम्स के जितना हमने लेना है, और ये है ल्यूकवॉर्म वाटर, इससे हम पेस्ट बनाएंगे। देख सकते हो इस कंसिस्टेंसी का आपने पेस्ट बनाना है, और इसको छोड़ देना है, ढकना है हमें इसे प्लास्टिक के रैपर से, और उसको 10 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है, और उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रे हेयर है ये हेरिडिटरी की वजह से है। 10th में ही मेरे हस्बैंड ने डाई लगाना शुरू कर दिया था, हेड के हेयर थोड़े थोड़े वाइट होने शुरू हो गए थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर डाई यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं, उसी कारण से यहाँ पे वाइट हेयर की प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही है। आप देख सकते हो ग्रे हेयर हैं दाढ़ी पे, और ये ग्रे हेयर जो है हमने सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए ही रखे यहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड दाढ़ी नहीं रखते हैं जनरली, बट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी आप लोगों की कि मैम दाढ़ी के लिए कुछ इस तरह से कलर बताइए, और वो कलर जो है डेमो करके ही मैं दिखाऊंगी, क्योंकि बिना डेमो के मैं कुछ नहीं कह सकती कि कौन सा कलर कैसा है, इसीलिए यहाँ पे हमने मेहनत की। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो ये अच्छा लगे या आपको मेहनत दिखे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले कि कलर कैसा है या फिर आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो
भी दाढ़ी है आपने उसको हल्का सा गीला कर लेना है। गीला करने के बाद पैट ड्राई कर लेना है, मीन्स बहुत ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए। और आपने थिक लेयर अप्लाई करनी है, जो हमने अभी पेस्ट बनाया था उसको 10 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर लेना है। नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस ये कलर स्किन पे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा या सिर्फ बालों पे ही चढ़ेगा, तो इन सब का जो रिज़ल्ट है या जो भी रिव्यू है वो आपको इसी वीडियो में एंड में मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले आपने इसकी थिक लेयर ज़रूर लगानी है। थिक लगाएंगे तभी आपके जो ग्रे हेयर हैं वो कवर होंगे। और जैसा कि इसमें लिखा था कि अगर आपके 20% से ज़्यादा ग्रे हेयर हैं, तो यहाँ पे 20% से ज़्यादा ग्रे हेयर हैं तो मे बी आपका फर्स्ट एप्लीकेशन में रिज़ल्ट ना आए। तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद का रिज़ल्ट मैं दिखाऊंगी और उसके बाद पॉसिबल चांसेस क्या है कि क्या आप कर सकते हो, इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो, वो सब मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में। और अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। और साथ ही साथ आप ये भी सजेशन दे सकते हैं कि दाढ़ी मूछ के लिए कौन सा कलर बेस्ट। फ्रेंड्स लगाने के बाद आपने इसको कॉटन क्लॉथ से कवर करना है। तो यहाँ मैं हैंकी यूज़ कर रही हूँ जो कि कवर करूँगी। और उसके बाद आपने ड्रायर यूज़ करना है, हर 15 मिनट के बाद आप ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रखना है, 1 घंटा 1.5 घंटा आप रख सकते हैं और ड्रायर यूज़ करें और इसको अच्छे से चिपका लें इस कपड़े को, ताकि जो हमारा कलर है वो अच्छे से दाढ़ी पे लग जाए। और आपने इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट आया है और ये इसमें हल्का सा ग्रीन या ब्लूइश कलर का टिंट आया है। बाल जो थे उसमें डार्कनेस आई है और जो वाइट थे उसमें हल्का टिंट आया है। जैसा कि इसमें लिखा था कि अगर 20% से ज़्यादा आपके ग्रे हेयर हैं तो आपको रिपीटेड एप्लीकेशंस करनी पड़ सकती हैं। और अगर आपके रिपीटेड एप्लीकेशन करना है तो आप 1 दिन या 2 दिन के गैप में इसको रिपीट कर सकते हैं। जब आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाए तो हफ्ते 10 दिन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके बाल ग्रे होना शुरू हो गए हैं दाढ़ी मूछ के या 20% से कम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने डेमो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर पे दिखाया था, तो अगर आपके ज़्यादा ग्रे हेयर हैं तो इसकी रिपीटेड एप्लीकेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी और तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी कलर आप मैं जो भी रिज़ल्ट मैंने आपको शो किया, इसके बाद हमने अपने तरीके से इसको काला किया, क्योंकि हम यही आपको शो करना चाह रहे थे कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। या हिना और इंडिगो का यूज़ करके इन दाढ़ी मूछ को काला किया था और उसका वीडियो मैं आपको 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। और आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि आपने देखा कि इसमें लिखा है अगर आपके 20% से ज़्यादा ग्रे हेयर है तो आपको एक एप्लीकेशन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको 2 एप्लीकेशन करनी पड़ सकती हैं। और 2 एप्लीकेशन जो आप करेंगे वो 1 से 2 दिन के अंतर में कर सकते हैं। मीन्स आज आपने किया है, 2 दिन के बाद आप इसको रिपीट अप्लाई कर सकते हैं। रिपीटेड 3-4 एप्लीकेशन में आपके अगर 50% से ज़्यादा ग्रे हेयर हैं तो वो कवर हो जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया तो यू नो दिस इज 70% ग्रे हेयर, और 70% ग्रे हेयर में जो कलर है टिंट है बहुत कम आया है, ग्रीन कलर हल्का आया है। और हमने इसको सेकेंड टाइम भी यूज़ किया और सेकेंड टाइम के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। नाउ आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके कुछ कुछ ग्रे हेयर हैं, मीन्स बहुत कम ग्रे हेयर है दाढ़ी मूछ में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इंडिगो ही ज़्यादा है और इंडिगो का कलर यू नो ग्रीन ही आता है। और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। बट और रिपीटेड एप्लीकेशन मीन्स यू डोंट नो कि कितनी रिपीटेड एप्लीकेशन करनी पड़ेंगी। 3-4 एप्लीकेशन यू नीड टू डू एंड आफ्टर दैट आपको 10 दिन के अंदर फिर से इसको रिपीट करना है। ये सब प्रोसीजर इसमें दिया है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके बाल
20% से कम ग्रे हेयर है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, और अगर ज्यादा है तो आपको इसकी एप्लीकेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी जिससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज को आप मिस ना कर पाए। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।